पूछिए मत मेरे को, कलेजा फट जाते हो। किसी की रीढ़ की हड्डी खराब है, किसी की पीठ साथ नहीं देती, किसी पैर साथ नहीं देता, किसी का हाथ साथ नहीं देता, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, अनेक अनेक महारोग इन माताओं के शरीर को ग्रस्त कर चुके हैं। अब कोई नहीं है हमारा, निकाल दिया घर से बच्चों ने तो भगवान का सहारा ले लिया। ऐसे में जहाँ पे इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इनके ही पुत्र इनको घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। खड़ा होने से हम बढ़ने को बताए, सिर कोर गर्दन घुटना ये दर्द करता है, बैठने से उठने नहीं सकता। इनको घर में इतना टॉर्चर किया जाता है कि इनकी जान पर बात आ पड़ती है, तो ये माताएं जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग के वृंदावन धाम का आश्रय लेती हैं। ये माताएं जब कृष्ण भक्ति में आती हैं तो कृष्ण भक्ति के आने के प्रभाव से ये अपने सारे दुख भूल जाती है, कृष्ण नाम लेके नाचती हैं, गाती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। ये जो माताएं हैं अब इस समय अपने जीवन निर्वाह के लिए इनके पास केवल एक ही आश्रय रह जाता है और वो है भिक्षा मांगना। हमारी जो संस्था है पिछले कई सालों से इन माताओं को, एक नहीं दो नहीं सौ नहीं ऐसी हज़ारों माताओं को हमारी जो संस्था है हर महीने राशन उपलब्ध करवाती है। इन माताओं के लिए हम लोगों ने राधा कुंड पे एक शेल्टर होम खोला है और वृंदावन में भी सबसे बड़ा शेल्टर होम इन माताओं के लिए हम लोग खोलने जा रहे हैं। हम इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। दाल चावल मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया। ये आशा करती है कि भक्त लोग आएंगे, इनको कुछ ना कुछ राशन पानी की इनकी व्यवस्था बनेगी, इसलिए आप लोग भी इस जन्माष्टमी उत्सव पे आगे आएं और इन माताओं के लिए कुछ ना कुछ राशन अवश्य आप लोग सपोर्ट करें। अभी तो जन्माष्टमी आ रहा है, कुछ दाल चावल मिल जाए तो बहुत आनंद आएगा।